नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश की रीवा में शौच के लिए निकली महिला को वाहन ने मारी टक्कर। सड़क पार करते समय फोर व्हीकल वाहन चालक ने मारी टक्कर, हालत गंभीर। खबर रामपुर बागेलान थाना क्षेत्र के रिमार गांव से है, जहां सड़क पार कर रही महिला को तेज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कार चालक ने टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक भाग रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी कर कार चालक को रोक लिया, जिसके बाद कार चालक ने किसी गमी में जाने की बात कही तो स्थानीय लोगों ने उसे छोड़ दिया है। वहीं घायल महिला को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला अगसिया साकेत रिमार नई बस्ती की रहने वाली है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। दादी है हमारी। क्या घटना हुई? वो सुबह सुबह गई थी घरे, तो आ रही थी तो गाड़ी वाला मोबाइल लगाया था कान में, तेज गाड़ी थी, टक्कर मार दिया। तब रोकने करे तो रुका नहीं, तेज़ी से गाड़ी भागी, तो फिर गाड़ी को पत्थर मार के रोका गया तो फिर रुका। कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी फोर व्हीलर चार चक्का गाड़ी थी। कहाँ पर घटना? रिमार नई बस्ती। कौन सा गांव है? रिमार। थाना कौन सा लगता है? रामपुर वाघेलान। अभी कहाँ है? अभी अभी रीवा में है। चल रहा है जी। जो घायल हैं उनका क्या नाम है? अगसिया साकेत नाम है। उनके उम्र ही 55 के फिर। गाड़ी वाला पकड़ गया? जी हाँ, गाड़ी वाला पकड़ गया, गाड़ी वाला चला भी गया, उसका नंबर मिल गया है। अभी गया है, बोला कि मेरे कोई ख़त्म उत्तम हो गए हैं तो ही चला गया। सचिन कुमार साकेत।